नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के बारे में। जैसा आपको पता, आपका रिजल्ट आने में है, तो काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आए हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या नहीं करूँ, फिजिकल कब होगा, कितना समय मिलेगा, इतने नंबर हैं, मुझे फिजिकल के लिए तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो जिस वजह से ये वीडियो बनाना पड़ा, अदरवाइज़ इस वीडियो का कोई लॉजिक नहीं था। कट ऑफ के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ पहले ही, तो उसी के बारे में इस वीडियो हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जॉब्स का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो राजस्थान में निकली हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी नया जॉब निकलता है, एग्जाम डेट आती है, एडमिट कार्ड आता है, हम आपको नोटिफाई करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं, आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। हम आप जॉइनिंग तक आपके साथ रहेंगे और सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं, आप रिजल्ट का इंतजार ना करें, आप टेंशन ना लें, अपनी फिजिकल की तैयारी करें। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि काफ़ी कैंडिडेट्स इस इंतज़ार में है कि रिजल्ट आएगा, अगर हमारे नंबर सही हैं तो हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। मान लीजिए आपके नंबर कम है और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपने फिजिकल की भी तैयारी नहीं की, फिर आपके वहाँ 15 नंबर नहीं आएंगे, अगर आप वहाँ रह जाते हैं तो फिर आपको बहुत पछतावा होगा, ठीक है। तो आप रिजल्ट का इंतजार मत करें, रिजल्ट जब भी आएगा, आज आएगा, कल आएगा, आपके पास अपडेट पहुँच जाएगा, आप अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, आप अपनी फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि अगर आप फिजिकल में आपके आप नंबर कम है, फिजिकल में 15 में से 15 स्कोर करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि अभी क्या है, काफ़ी कैंडिडेट्स को ये डाउट है कि जैसे पार्ट जो बी है उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स के नंबर कम है, बाकी पार्ट में अच्छे नंबर हैं, इसमें कम है, तो क्या है, जिनके कम नंबर हैं उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। क्या पता बी पार्ट में काफ़ी कैंडिडेट बाहर हो जाएं, जिनके कम नंबर हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए, फिर अगर आप फिजिकल में निकलेंगे फिर आपके लिए दिक्कत होगी, ठीक है। अगर आप ऐसे चाहते हैं कि कट ऑफ का, तो मैं कट ऑफ भी आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, लेकिन आपके चाहे कितने भी नंबर हों, आप फिजिकल की तैयारी ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ क्या, जैसे मैंने कट ऑफ बता दिया, कोई भी कट ऑफ बताएगा, किसी के पास अभी फिक्स कट ऑफ है नहीं, एक्सपेक्टेड बता दिया। अगर जैसे आपने उस हिसाब से अपनी तैयारी छोड़ दी फिजिकल की, कि मेरे इतने नंबर नहीं है, फिजिकल की तैयारी नहीं करूँगा, तो फिर अगर फिर जैसे एक कट ऑफ क्या है, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है वहाँ, फिर आपसे फिजिकल नहीं होगा अगर आपने तैयारी नहीं किया तो। और आपको फिजिकल में 15 नंबर लेने जरूर से जरूर हैं, अगर आपके कम नंबर हैं तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप कट ऑफ वगैरह इनके चक्कर में ना पड़ें कि जैसे कट ऑफ के हिसाब से हम अपनी फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो आप आज ही अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, जिन कैंडिडेट्स ने नहीं की, हालांकि कैंडिडेट्स ने अपनी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली होगी फिजिकल की, आप इतनी तैयारी कर लें कि आपको 15 में से 15 नंबर मिल जाए, अगर आपके टेस्ट में नंबर कम है तो। चाहे आपके बी पार्ट में कितने भी नंबर हो, ए पार्ट में कितने भी नंबर हो, आप अपनी फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और रही बात जैसे कट ऑफ की, तो मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ एक बार। लेकिन दोस्तों, जो हमने कट ऑफ बनाया है, सभी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि कट ऑफ तब तैयार किया जाता है जब हमारे पास सभी के नंबर होंगे, क्यों हमें सभी के नंबर नहीं पता है, तो ये हमने एक्सपेक्टेड दिया है, अंदाज़ा दिया। आपके कमेंट आए थे कि मेरे इतने नंबर, उसके हिसाब से कि जनरल के अगर आपके 45 प्लस हैं और 15 नंबर आप फिजिकल में लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। OBC में क्या, अगर आपके 42 प्लस हैं, जैसे 42 प्लस 43 44 जितने भी हैं, मतलब ऊपर हैं, अगर आपने फिजिकल में 15 नंबर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें आप ऐड करेंगे। SC के आप, अगर आपके 40 प्लस नंबर हैं, 15 ही आ गए, तो आपके नंबर 55 प्लस हो जाएंगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। ST है, ST में एक नंबर कम लगा लीजिए, SC में SC ST ऑलमोस्ट बराबर सा ही रहता है, एक आधा नंबर कम लगा लीजिए इसमें, ठीक है। तो इसमें 15 नंबर आ गए आपके फिजिकल के, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन आपका फिजिकल ही जब नहीं होगा, फिजिकल में आपके 5 नंबर होंगे और रिटर्न में आपके ऑलरेडी कम नंबर, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आप ये चीज़ देखिए, आप इन चीज़ों को बिना देखे, ये चीज़ें कितने भी नंबर हैं कितने भी नहीं हैं, आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए कि फिजिकल में हमें 15 में से 15 नंबर लेने हैं, ये आपके हाथ में। क्योंकि टेस्ट का आपको पता नहीं था कि भाई कहाँ से आ गया, आप बोले जैसे बी पार्ट में काफ़ी इधर उधर से क्वेश्चन आए हैं तो पता नहीं लगा कहाँ से क्वेश्चन दे दिए, लेकिन ये चीज़ आपको पता है कि आपको फिजिकल में इतने किलोमीटर दौड़ना है, इतने टाइम में दौड़ना है, तो टाइम मैनेज करना अपने ऊपर। आपको 15 नंबर लेने हैं फिजिकल में से 15 में से 15, तभी आपका सिलेक्शन होगा, जो कम नंबर वाले कैंडिडेट हैं। जो ज़्यादा नंबर वाले हैं वो तो ऑलरेडी अपनी फिजिकल की तैयारी कर ही रहे हैं, उन्हें पता है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपना 15 स्कोर कर लेंगे। तो आपको 15 नंबर स्कोर करना ज़रूरी है जिनके कम नंबर हैं, क्योंकि जैसे एक तो उनके रिटर्न में नंबर ज़्यादा हैं कैंडिडेट के, और फिर उनका कॉन्फिडेंस इतना अप है कि वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके फिजिकल में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आपके पास तो क्या है, रिटर्न तो आपका हो चुका, जैसा हुआ है वो ठीक है, लेकिन फिजिकल में आप ऐसा है कि दूसरे कैंडिडेट को कम्पीट कर सकते हैं, फिजिकल में आप 15 में से 15 ले सकते हैं। हालांकि जिसके एक दो नंबर रिटर्न में ज़्यादा होंगे, इसका अगर फिजिकल में कम आ गए, तो आपके अगर 15 में से 15 हैं तो आप उस कैंडिडेट से आगे निकल जाएंगे।
तो आप अपनी बस फिजिकल की तैयारी पूरी रखिए। फिजिकल के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि कितने में कितने नंबर मिलेंगे आपको, डॉक्यूमेंट के लिए आपको वीडियो मिल जाएगा, रिजल्ट आते ही आपको मैं अपडेट दे दूंगा। तो उसमें ये चीज़ आप अपने देखिए कि अभी क्या है, आपको बस फिजिकल के लिए प्रिपेयर होना, आपके पास बस एक वीक का टाइम है, ये लगा लीजिए। आप कितना कर सकते हैं, आप 15 नंबर ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं तो आप पे डिपेंड है। अगर आप 15 नंबर नहीं लेंगे, नंबर कम है, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये लास्ट चीज़, अगर आप यहाँ आकर रुक जाते हैं तो फिर आपको बहुत पछतावा होगा। तो दोस्तों अगली बार फिर लास्ट में वीडियो का यही बोलना चाहूँगा कि आप ये चीज़ ना देखें, रिजल्ट कब आएगा, अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहें, ना ये देखें आपके कितने नंबर हैं, कितने पे कट ऑफ जाने वाली है। तो आज की वीडियो में बस यही था, हालांकि इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं थी, आपको बस यही बताना था, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर मेरे इतने नंबर हैं, मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो हर एक कैंडिडेट को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, आपके कितने भी नंबर हों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जो भी आपका अपडेट आएगा रिजल्ट वगैरह का, जो भी अपडेट जो नहीं तो के सारे अपडेट आपको मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।